गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आप लोगों को पता है, हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी की जो क्लास है उसके अंदर टॉपिक चल रहा है स्पीशीज इंटरेक्शन। ओके, हमने सिम्बायोसिस अपना कंप्लीट किया है, कॉमेंसरीज मेजरीज हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज प्रीडेशन। ओके, प्रीडेशन शुरुआत के अंदर जब मैंने क्लास ली थी तो आपको बताया था कि जो हमारा इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स है जो कि दो जातियों के सदस्यों के बीच में होता है, वो रिलेशनशिप में जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ जिसमें एक स्पीशीज तो जो है वो लाभान्वित हो रही है लेकिन दूसरी स्पीशीज को किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, किसी ना किसी रूप के अंदर हानि होती है, तो इस प्रकार का रिलेशनशिप हम क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो प्रीडेशन जो है वो एक प्रकार का नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, प्रीडेशन इज ए फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलाइक स्पीशीज इन विच वन ऑफ देम एक्ट एज प्रीडेटर दैट कैप्चर एंड फीड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म दैट सर्व एज द प्रे। ओके, तो प्रीडेशन बच्चों क्या है? प्रीडेशन दो जाति के सदस्यों के बीच में इस प्रकार का अंतर संबंध है जिसमें एक जाति के जीव दूसरी जाति के जीव को मारकर खा जाते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं जिसके अंदर जो है एक जाति के सदस्य प्रीडेटर होते हैं जो कि दूसरी जाति के सदस्य को कैप्चर करके उसको मार के उसपे फीड करते हैं, और जिस जाति पर ये फीड करते हैं वो जाति इनकी क्या होती है, वो जाति प्रे कहलाती है। ओके, तो जिसको हम हिंदी के अंदर परभक्षण भी कहते हैं, इस प्रकार का अंतर संबंध जिसमें एक जाति के जंतु दूसरी जाति के जंतु को मार कर उसे खा जाते हैं, अपने भोज्य पदार्थ के रूप में उसे काम में लेते हैं। प्रीडेटर्स जो है बच्चों किस प्रकार के होते हैं? प्रीडेटर्स कार्निवोरस होते हैं या ओमनीवोरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो देखिए, लायन, ये सब आप जानते हो, लायन है, टाइगर है, शार्क्स होती हैं, स्नेक्स। ओके, ये सब क्या है? प्रीडेटर्स होते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स भी प्रीडेटर्स होते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें इंसेक्ट्स की बात करें तो हमारे जो है ड्रैगन फ्लाई, ओके, मैंटीज, रॉबर फ्लाई, ये भी प्रीडेटरी स्पीशीज होती है। ओके, ये तो था एनिमल्स की बात, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो भी प्रीडेटरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ब्लैडर बर्ड, ब्लैडर बर्ड की हम बात करें, यूट्रिकुलेरिया, नाम सुना होगा आपने, निपेंथिस जिसको पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। ओके, एंड सनड्यूज लाइक ड्रोसेरा, ये किस प्रकार के पादप है बच्चों? ये पादप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जो अपनी जो है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता जो इनके जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इनके ऊपर आने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैप्चर करके उनको फीड करके अपनी ऐसे भोज्य पदार्थ के रूप में इनको काम में लेते हैं। तो ना केवल एनिमल्स बल्कि कुछ प्लांट्स भी जो है वो परभक्षण दर्शाते हैं। ओके, देखिए, प्रीडेटर्स कैन ऑल्सो फॉल प्रे टू अदर लार्ज एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन वेयर दे फॉल इन द फूड चेन। देखिए, जो हमारे इकोसिस्टम है, हमने फूड चेन भी पढ़ा है जिसके अंदर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर क्या होता है, भोज्य पदार्थ का ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर होता है। तो यदि हम फूड चेन की बात करें तो एक लेवल पे उपस्थित जो जंतु जो प्रीडेटर की श्रेणी में आ रहा है वो अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए प्रे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो यदि हम स्नेक का देखें तो स्नेक क्या है? दिस स्नेक इज अ प्रीडेटर। माउस के लिए तो क्या है, ये प्रीडेटर है, लेकिन हॉक के लिए ये स्नेक क्या हो जाएगा? प्रे के रूप में जो है वो स्थित होता है। ओके, तो इस प्रकार इकोसिस्टम के अंदर अपने जो है लेवल ऑफ फूड चेन के अकॉर्डिंग जो है इनका पोजीशन बदल भी सकती है।
यदि हम पारिस्थिति की बात करें तो प्रीडेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है ये। किस प्रकार से, देखिए यदि नंबर ऑफ प्रीडेटर्स यदि कम हो, यदि प्रीडेटर्स कम होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रे जो होगा वो बढ़ जाएंगे, ओके। और यदि ऐसा होता है व्हेन दिस हैपेंस तो प्रीडेटर्स वुड बी रिप्रोड्यूस मोर, प्रे जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, शिकार की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब क्या हुआ, प्रीडेटर्स जो है उनके लिए भोज्य पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है इनडायरेक्ट वे में। तो अवेलेबिलिटी यदि अच्छी मिल रही है प्रे की तो अब क्या होगा, इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन बढ़ता है और पॉसिबली चेंज देयर हंटिंग हैबिट्स, ओके। एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स राइज, और जब प्रीडेटर्स का नंबर राइज हो रहा है, यदि प्रीडेटर्स अब उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर बढ़ रहे हैं तो अब किसकी संख्या कम हो रही है, प्रे जो है उनकी संख्या कम हो जाती है, ओके। तो इस प्रकार से दिस रिजल्ट्स इन फूड स्कार्सिटी, अब क्या हुआ, प्रे की संख्या कम हो गई है तो अब उस हैबिटेट के अंदर क्या हो गया, फूड जो है वो अब कम मिलेगा प्रीडेटर्स को, जिसकी वजह से प्रीडेटर की संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। तो एक प्रकार से उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम या हैबिटेट के अंदर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कार्य भी इस जो है प्रीडेक्शन के द्वारा किया जाता है, ओके। अब हम जो है वो प्रीडेशन के लिए प्रीडेटर्स के अंदर क्या क्या अनुकूलताएं जो है वो हो सकती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीडेटर्स अडेप्ट इन द फॉलोइंग वेज इन ऑर्डर टू अटैक एंड कैच देयर प्रे, कौन कौन से, देखिए द प्रीडेटर्स यूज कॉम्फ्लेस, ओके। इनके अंदर अपने आप को जो है वो वातावरण के अंदर छुपाने की कैपेसिटी कुछ प्रीडेटर्स के अंदर पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है वो उस अपने एनवायरनमेंट के अंदर छिप कर या दिखाई नहीं देते वो अपने प्रे को, और वो अचानक से अपने प्रे पर हमला कर देते हैं, ओके। एक प्रकार का दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एनी डेंजरस डिफेंस मैकेनिज्म अ प्रीडेटर माइट है, और इस प्रकार से प्रीडेटर स्वयं अपने सुरक्षा करने में भी इस तकनीक के द्वारा सक्षम होते हैं। दूसरा, इनके अंदर जो है कुछ प्रकार का मैकेनिकल अडेप्टेशन भी पाया जाता है। मैकेनिकल अडेप्टेशन के लिए हम बात करें तो किस फॉर्म के अंदर, टीथ पाए जाते हैं प्रीडेटर्स के अंदर, शार्प टीथ होते हैं, इनके अंदर शार्प क्लॉज पाए जाते हैं। स्किन देखी जाए तो स्किन जो होती है वो थिक स्किन होती है, और ये इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, तेज गति से जो है ये भाग सकते हैं, एंड इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये बहुत जो है वो मजबूत स्ट्रेंथ वाले एनिमल्स होते हैं। ये सारे जो मैकेनिकल्स जो अडेप्टेशंस है ये अपने उनको शिकार को पकड़ने के अंदर बहुत जो है लाभदायक होते हैं, सहयोग करते हैं, ओके। कुछ किसी प्रकार के केमिकल अडेप्टेशंस भी जो है वो प्रीडेटर्स के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम केमिकल की बात करें तो आप लोगों को पता है कुछ रेप्टाइल्स होते हैं और अलग जो आर्थ्रोपोड्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, वेनम्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के टॉक्सिन्स इनके अंदर पाए जाते हैं, कई प्रकार के पॉइजन पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये अपने प्रे को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ओके। एंड दे हैव आल्सो इवॉल्व केमिकल अडेप्टेशंस दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द केमिकल डिफेंसेस ऑफ द प्रे। देखिए ये तो था कि प्रेडेटर्स के अंदर वेनम टॉक्सिन्स और कुछ केमिकल्स पॉइजन्स जो है इस प्रकार के होते हैं जो कि प्रे को मारने का काम करते हैं। इसके अलावा प्रे के अंदर जो उपस्थित जो केमिकल्स हैं, जो पॉइजनस केमिकल्स हैं, उनके प्रति भी प्रीडेटर्स के अंदर एक प्रकार का केमिकल डिफेंस होता है। यदि हम एग्जांपल्स देखें, दैट इज मोनार्क बटरफ्लाई। देखिए मोनार्क जो बटरफ्लाई है फीड करती है किसके ऊपर, मिल्कवीड प्लांट के ऊपर, एंड दिस मिल्कवीड प्लांट जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है। लेकिन जो मोनार्क बटरफ्लाईज होती हैं ये इस मिल्कवीड प्लांट के पॉइजन से अफेक्टेड नहीं होती है। तो एक प्रकार का इनके अंदर केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर पाया जाता है, ओके।
अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों परभक्षण या प्रीडेशंस के। सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट जो हमारे एनिमल्स हैं वो किस प्रकार से प्रीडेशन दर्शाते हैं उसके देख लेते हैं। बहुत साधारण उदाहरण आप लोगों ने जो है इसको प्रैक्टिकली भी देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो स्पाइडर्स को देखा होगा आपने, स्पाइडर कैप्चरिंग प्रे इन वेब, जाला बनाती है स्पाइडर्स ओके, और जाले के द्वारा अपने शिकार को फंसाने का कार्य करती है। जब शिकार उस जाले के अंदर जो है वो फंस जाता है तब स्पाइडर उसको जो है वो अपने भोजन के रूप में काम में लेती है। इसी प्रकार लेस विंग्स ईटिंग माइट्स एंड स्मॉल कैटरपिलर्स, जो लेस विंग्स होती है वो माइट्स और जो स्मॉल कैटरपिलर्स होती है उन पे फीड करती है। स्कॉर्पियन आप लोगों ने देखा होगा, स्कॉर्पियन के अंदर क्या होता है एक स्टिंगिंग एपरेटस पाया जाता है जो कि वेनम सिक्रीट करता है, और इस ये वेनम क्या करता है जो इसका जो प्रे होते हैं लाइक स्मॉल एनिमल्स स्मॉल इंसेक्ट्स इनको मारने का काम करता है ये, और यहाँ तक कि स्मॉल मैमल्स को भी अपने वेनम के द्वारा ये मार के खा जाता है। इसी प्रकार यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें ऑक्टोपाई दैट इज कैचिंग स्मॉल फिश और क्रस्टेशियंस को कैच करके जो है इन्हें खा जाती है। लेडी बग्स का बात करें हम तो दिस लेडी बग्स फीडिंग ऑन एफिड्स ऑन एप्पल ट्रीज एंड रोज बुशेस, इन पे जो है वो एफिड्स पे फीड करती है लेडी बग्स। प्रेइंग मेंटिस की बात करी, जैसे भी शुरुआत में बताया था मैंने इंसेक्ट्स के अंदर भी प्रीडेटर्स होते हैं, प्रेइंग मेंटिस की बात करें तो ये वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स जिनके अंदर क्रिकेट्स और अदर जो मेंटिसेस है उन पर ये फीड करता है, उनको मारकर खा जाता है। येलो जैकेट्स एंड वेस्ट जो होते हैं वो अटैक करते हैं किस पे, हाउस फ्लाई के नेस्ट पे, और इनके जो लार्वा होते हैं बच्चों उनको ये खा जाते हैं मार के। इसी प्रकार फायर आंट्स स्वार्मिंग एंड कैरिंग अर्थवर्म्स कैटरपिलर्स एंड इंसेक्ट्स एग्स टू देयर आंट हिल्स ओके। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे हमारे आर्थ्रोपोड एनिमल्स के कि किस प्रकार वो अपने शिकार को मारकर उसको जो है वो अपने भोजन के लिए काम में लेते हैं ओके। अब हम देखें प्रीडेशन एग्जांपल्स इन द बर्ड वर्ल्ड, पक्षियों के अंदर यदि देखें तो ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स हंट प्रे इन सम वे, दे आर ऑल्सो ऑफन हंटेड बाई अदर प्रीडेटर्स इन देयर फूड चेन। यदि फूड चेन की बात करें तो बर्ड्स जो है वो अपने प्रे का शिकार करती है और कुछ बर्ड्स जो है वो अपने प्रीडेटर्स के द्वारा भी शिकार का जो है वो सामना करती है। इनफैक्ट यदि हम बात करें ईगल्स की एंड कॉन्डोर्स की, दीज आर द ओनली बर्ड दैट डोंट हैव नेचुरल प्रीडेटर्स, इनके प्रीडेटर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बर्ड्स की बात करें तो देखिए स्पैरो आप लोगों ने देखा होगा, स्पैरो कैचिंग इंसेक्ट टू फीड देयर यंग बर्ड्स। अब स्पैरो जो है वो इंसेक्ट्स को जो है वो किल करती है। इसी प्रकार वुड पैकर्स को आपने देखा होगा जो कि वृक्षों की छाल पर जो है वो क्या करते हैं उसको छेद बनाकर रखते हैं, और यहाँ पर पसी जो स्पाइडर्स होती है बच्चों स्पाइडर्स ग्रब्स और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारकर ये वुड पैकर खा जाता है ओके। इसी प्रकार क्रॉस देखे आपने, क्रॉस अटैकिंग अदर बर्ड्स नेस्ट टू ईट देयर एग्स, जो कौवे होते हैं वो वृक्षों पर उपस्थित जो दूसरे पक्षियों के जो नेस्ट होते हैं घोंसले होते हैं उनमें उपस्थित जो एग्स हैं या उनके बच्चे हैं उनको मारकर खा जाते हैं। पेंगुइन्स का यदि हम देखें एंटार्क्टिका के अंदर तो ये पेंगुइन्स जो है वो आइस के अंदर उपस्थित जो फिशेस होती हैं बच्चों उनको कैच करके उनको खाते हैं। इसी प्रकार हॉक्स की बात करें तो हॉक्स सर्किलिंग एंड कैचिंग स्मॉल मैमल्स सॉरी स्मॉल एनिमल्स कौन कौन से लाइक लिजार्ड्स और स्नेक्स जो है इन पर हॉक्स जो है वो फीड करता है, इनको पकड़ता है और इनको मारकर खा जाता है। सीगल्स की बात करें तो सीगल्स स्विमिंग इन टू द सी टू कैच स्मॉल फिश ओके, सीगल्स जो है स्मॉल फिशेस को खा जाती है। आउस जो है स्टॉकिंग एंड किलिंग माइस एंड रैट्स, आउस जो है वो माइस और रैट्स पे फीड करते हैं। ईगल्स कैचिंग, ईगल्स आप लोगों ने देखा होगा जो कि रैबिट्स लार्ज फिशेस एंड अदर एनिमल्स इन देयर टैलेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो इनके आवास के अंदर पाए जाने वाले हैं उन पर ये उनको पकड़ के उनको मार के खा जाती है। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे बर्ड्स किस प्रकार से जो है वो शिकार करती है और खुद शिकार होती है उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम फिशेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखें,
तो देखिए मोलस्कन एंड श्रिम्प्स ईटिंग जूप्लैंडोज, हम इसके अंदर बात कर रहे हैं जो हमारा प्लान एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसकी। तो आप लोगों ने देखा होगा ओशियंस के अंदर जो हमारे मोलस्क होते हैं, श्रिम्प्स होती हैं, वो किस पर फीड करते हैं, जो हमारे जूप्लैंक्टन्स होते हैं। जूप्लैंक्टन्स लाइक हम प्रोटोजोन्स की बात करें, स्मॉल एनिमल्स की बात करें, तो उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले जो जूप्लैंक्टन्स हैं उनको मार्करीय जंतु मोलस्क और श्रिम्प्स जो है वो उसको काम में लेते हैं। ओके, इसी प्रकार टोना कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फिश फ्रॉम स्कूल्स, लायन फिश अटैकिंग लार्ज नंबर ऑफ रीफ फिश पर अटैक करती है। इसी प्रकार शार्क्स की बात करें तो शार्क स्टॉकिंग एंड किलिंग अदर फिशेस, बर्ड्स और मराइन मैमल्स जो रहते हैं उन पर भी शार्क अटैक करके उन्हें खा जाती है। इसी प्रकार मॉररी ईल्स जो होती है दैट इज हाइडिंग एंड अटैकिंग स्मॉलर फिश, छोटी फिशेस को खाती है। मेंटा बात करें मेंटा ईल्स की, तो दिस स्वीपिंग स्मॉल फिश इनटू देयर माउथ एज दे स्विम। ओके, ये भी स्मॉल फिश पर फीड करती है, उन्हें मारकर खा जाती है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन बर्ड की बात करें तो बच्चों देखिए मोस्ट रेप्टाइल्स ईट अदर एनिमल्स, आप लोग जानते हैं। यदि हम रेप्टाइल्स की बात करें, हम क्रोकोडाइल्स की बात करें, ओके, हम गैबिलियस की बात करें और स्नेक्स लिजार्ड्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो ये सब क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को कैप्चर करके उसको पकड़कर उसको मार देते हैं। ओके, देखिए डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रेप्टाइल्स इनके जो प्रे होते हैं वो मे बी स्मॉल हो सकते हैं, एक फ्लाई के रूप में, एक मक्खी के रूप में, और एक गजेला जो हमारा जो गजेला है उसके बराबर भी इसका जो है इनके प्रे हो सकते हैं। लिजार्ड्स आप लोगों ने देखी होगी जो कि हमारे घरों में होती है, आप लोगों ने देखा होगा इंसेक्ट्स जो हमारे दीवारों पर छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ के ये खा जाती है। ओके, फ्रॉग एंड टॉर्ट्स की बात करें तो देखिए फ्रॉग एंड टॉर्ट्स जो होते हैं, जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है, लॉन्ग टर्म का पाई जाती है जो कि स्टिकी होती है और उसको बाहर निकाल के ये जल्दी से अपने इंसेक्ट्स को या प्रे को कैच कर लेते हैं और उसको मार के खा जाते हैं। इसी प्रकार बोवा जो है, दिस बोवा कॉन्स्ट्रिक्टर टाइटली स्क्वीजिंग देयर प्रे अंटिल इट कांट ब्रीथ। अब बोवा है, पाइथन जो है हम देखते हैं पाइथन क्या करता है, जैसे इसको प्रे हिरण या कोई गोट उसको मिलता है तो वो क्या करता है, चारों तरफ उस पर कॉइल बना के उसको बिल्कुल टाइटली कस लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनका उसको ब्रीथ नहीं कर पाता वो जंतु, और वो जंतु जो होता है डाई हो जाता है, उसके बाद उसको मार के वो क्या कर लेता है, खा जाता है। ओके, इसी प्रकार क्रोकोडाइल्स की बात करें तो देखिए क्रोकोडाइल्स लर्किंग अंडर द सर्फेस ऑफ द वाटर बिफोर ग्रैबिंग एन एनिमल्स ड्रिंकिंग एट द वाटर एज। क्रोकोडाइल्स आप लोगों ने देखा होगा कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो जो उनके जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है उसके किनारों पर जो है वो सुप्त अवस्था के अंदर पड़े रहते हैं, जैसे ही कोई शिकार उनके पास आता है तो उसको अचानक से कैप्चर करके वो क्या करते हैं, खा जाते हैं। ओके, टर्टल्स की बात करें तो टर्टल्स कैचिंग एंड ईटिंग स्मॉल फिश फ्रॉम द वाटर के अंदर उपस्थित जो स्मॉल फिश है उस पर फीड कर लेते हैं, उसको मार के खा जाते हैं। रैटल स्नैक की बात करें तो देखिए कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनके अंदर वेनम इस प्रकार का पाया जाता है जो यदि जंतु या जो उसके पास में आता है उस पर इंजेक्ट हो जाता है तो वो जंतु मर जाता है, उसके बाद में वो जो है स्नैक उसको खा लेता है। तो रैटल स्नैक अपना वेनम यूज करके जो है स्मॉल एनिमल्स को किल कर देते हैं। एंशिएंट कार्निवोरस जो डायनासोरस थे, जो कार्निवोरस डायनासोरस थे वो भी हर्बेशियस जो डायनासोरस थे बच्चों उनको मार के खा जाते थे। ओके, इसी प्रकार रैटल स्नैक देखें तो रैटल स्नैक जो है वो कंगारूराइट को मार के खा जाता है। ये तो कुछ रेप्टाइल्स एंड एवियस बर्ड जो है वो एम्फीबियन बर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स थे प्रीडेशन के। अगर हम मैमल्स के देखें तो देखिए मैमल्स आर ऑफन द अपेक्स प्रीडेटर ऑफ देयर फूड चेन। और यदि हम फूड चेन की बात करें तो दीज आर द टॉप कंज्यूमर होते हैं मैमल्स। ओके, जिसके अंदर हम हमारा जो है कैट, डॉग, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ओके, बियर और मराइन जो मैमल्स हैं वो हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, और भी मैमल्स इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा लायन जो होता है वो बहुत लार्ज एनिमल्स पे अटैक करता है, यहाँ तक कि वो एलिफेंट और जो वाइल्ड बीस्ट है उस पर भी अटैक करके उसको मार के खा जाता है। ओके, एक्वेटिक मैमल्स की बात करें तो डॉल्फिन जो क्या करती है अपने हैबिटेट के अंदर रहने वाली जो स्मॉल फिशेज होती है उन पर अटैक करके उन्हें खा जाती है। ऑर्का वेल्स की बात करें तो ऑर्का वेल्स जो है वो सील्स का, शार्क का, पेंगुइन का, ओके,
ऑर्का वेल्स किसका शिकार करती है? सील, शार्क एंड पेंगुइन्स का शिकार करती है। हाउस कैट्स की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घरों में मिलने वाले जो कैट है, डॉग है, वो माइस, बर्ड्स और अदर स्मॉल एनिमल्स इनका शिकार करके इन्हें खा जाते हैं। टाइगर जो है, यदि हम फॉरेस्ट की बात करें तो टाइगर्स जो है वो हमारे जो हिरण होते हैं और जो दूसरे अन्य एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। बियर्स की बात करें, बियर्स को आप लोगों ने देखा होगा, पोलर बियर्स की यदि हम बात करें तो ये बियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सालमन जो होती है, सालमन फिश जो होती है और रिवर में उपस्थित, उसको पकड़ के उसे खा जाते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे ग्रेडेशन के कि किस प्रकार एक जाति के जंतु जो है वो दूसरी जाति के जंतु को मार कर, उसे पकड़ कर, उसे जो है वो किल करके उसको अपने भोज्य पदार्थ के रूप में काम ले लेते हैं, उसे खा जाते हैं। ओके, और इस प्रकार क्या हो रहा है, एक जंतु के जो सदस्य हैं वो तो लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें तो भोजन प्राप्त हो रहा है, जिसे हम प्रीडेटर कह रहे हैं, और दूसरी जाति जो प्रे है उसको अपने जाति के सदस्य में किसी ना किसी रूप के अंदर उसको हानि हो रही है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को प्रीडेशन कहा जाता है।